आग की चपेट में आकर रेडीमेड की लगभग 700 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। आग के शोले सिर्फ कानपुर में नहीं भड़के बल्कि पश्चिमी यूपी तक भड़के। कानपुर के बाजार में बर्बादी की आग गुरुवार की रात ऐसी भड़की कि शनिवार सुबह तक शोले भड़कते रहे। तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग ने हमराज कॉम्प्लेक्स समेत आसपास की कई इमारतों को अपनी चपेट में लिया। धुएं के काले गुब्बार को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं। इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आई है। टावर्स में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए दमकल पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रह रहकर दूसरी जगह आग बढ़ जा रही है। ये अर्जन कॉम्प्लेक्स है जहां पर आग नहीं लगी थी, कुछ ही दुकानों में आग की घटना यहां पर देखने को मिली थी। अचानक से आग भड़की है और उसके बाद जो दुकानें हैं उनके जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो कारोबारी हैं, वो अपने माल को यहां से तुरंत हटाने में जुट गए। इधर आगरा के मंटोला में मौजूद केमिकल गोदाम में भी भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लपटें विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके चलते लोगों में अफरातफरी मच गई। आगरा और कानपुर ही नहीं, धुएं का बवंडर बुलंदशहर में भी देखने को मिला। बुलंदशहर नए गांव के पास खेतों में बने घर में हुए जोरदार धमाके से पूरा शहर दहल गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज धमाके की वजह से आसपास के मकान तक हिल गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आग की आफत के बीच शहर शहर सड़क हादसों का भी कहर है। मेरठ में हुए खौफनाक सड़क हादसे की कैसी ही तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सड़क पर हल्की चहल पहल थी, अंधेरा छट रहा था और सूरज निकलने ही वाला था। इसी दौरान दो गाड़ियां आमने सामने से आती हुई दिखाई देती हैं। बाइक की हेडलाइट की रोशनी कुछ ज्यादा तेज और सफेद कार टर्निंग पॉइंट पर थी। ठीक टर्निंग पॉइंट पर दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने टक्कर होती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। बाइक सवार पटकनी खाता हुआ जमीन पर गिरा, बाइक दूसरे साइड पर गिरी, सिर से हेलमेट निकलकर जमीन पर गिर चुका था और बाइक सवार बेसुध पड़ा था। दो से तीन लोग कार की तरफ दौड़ते हैं, कार सवार को धमकाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार से बाहर आता दिखाई देता है, लेकिन लोग जब बाइक सवार की तरफ मुड़ते हैं तब तक वो भाग निकलता है। तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि वही कार दोबारा से घटनास्थल पर आती है, तब लोग घायल बाइक सवार को अस्पताल लेकर निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल युवक राहुल है, जो बीवीजी कंपनी का सुपरवाइजर है। बीवीजी कंपनी नगर निगम के कई वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा उठाती है। राहुल जब सुबह काम से लौट रहा था उसी दौरान यह हादसा पेश आया। सुपरवाइजर राहुल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद पर अब जीशान नाम के एक शख्स पर किए गए जानलेवा हमले वाला केस का भी फंदा कसने वाला है। क्योंकि जीशान पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस को अतीक की रिमांड मिल गई है। पुलिस अब अतीक से कभी भी साबरमती जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक जल्द ही एक टीम गुजरात रवाना होगी। इस मामले में अतीक और उसका गुर्गा असाद आरोपी है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक जेल की सजा काट रहा है, जबकि असाद फरार है। दरअसल प्रयागराज के चकिया का रहने वाला जिशान अतीक के साढ़ू इमरान जई का छोटा भाई है। वो जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। अतीक किसी बात पर जिशान से नाराज हो गया था, जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 को अतीक का बेटा अली असाद और कई लोग उसके घर पर चढ़ गए थे। आरोप है कि अली ने आते ही जिशान की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिया। अतीक ने फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अनुदिनपुर की जमीन पत्नी के नाम नहीं करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। जिशान के रिश्तेदारों ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी पीट कर घायल कर दिया गया। उसके बाद जेसीबी से अली का पूरा कार्यालय और घर ढा दिया गया। इसी मामले में अतीक से पूछताछ और बयान के लिए पुलिस ने अदालत से रिमांड मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।